कटंगी थाना अंतर्गत निदान फॉल में नहाते समय पानी में डूबे 20 वर्षीय वीरू उर्फ वीर प्रताप कुशवाहा की लाश बुधवार को सुबह गोताखोरों को मिल गई। मृतक की लाश मिलने की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाते हुए मर्ग कायम कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। युवक की लाश मिलने के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया है। वहीं एहतियात के तौर पर निदान फॉल के पास पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, जिससे कि आगे कोई हादसे ना हो सके। कटंगी वाटरफॉल में एक कुशवाहा लड़का है, उसकी वहाँ पानी में डूबने से मौत हुई है। उसकी डेड बॉडी मिल गई है। उसका एक साथी और था, सभी घूमने पिकनिक मनाने के लिए गए थे और वहाँ उनको एहसास नहीं था कि वाटरफॉल में इतना पानी होगा। ऊपर से बहुत तेज़ ज़्यादा आ गया, पहाड़ी से पानी आने से उनका जो है एक्सीडेंटल ये डेथ हुई है। मैं चाहूँगा कि जब भी कोई इस तरीके से वाटरफॉल के आसपास जाता है तो वहाँ एहतियातन क्या क्या हमें सावधानी बरतना चाहिए। पानी में न जाएं, अंदर पानी में बरसाती पानी है, ऊपर से पानी आ रहा है, कितना पानी किस बेग में कितनी जल्दी आ सकता है, तैरना नहीं आता है तो बिल्कुल पानी में न कूदें। नदी नाले हैं जहाँ भी हम मोटरसाइकिल से या पैदल पार करते हैं, पानी का बहाव ज़्यादा आ जाता है, प्रेशर में रहता है पानी, पैर लड़खड़ा जाते हैं और गिर जाते हैं, तैरना नहीं आता तो उससे डूबने से मौत होती है। बहुत ही उसका स्थिति रहती है, काफ़ी दिक्कत के बाद जो है डेड बॉडी मिलती है, क्योंकि पानी का इतना प्रचंड वेग है बरसात के बाद। पानी से दूर रहें, जो भी पिकनिक मनाने जा रहे हैं या अपने साथी हैं उनको पानी में उतरने के लिए न कहें। मैं चाहूँगा इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर रोक लग जाएगी।